आदर और सत्कार के योग्य किसान साथियों, राम राम। सुमेर सिंह बावड़ा जाट, ऑर्गेनिक कृषि फार्म नाणीमऊ। किसान साथियों, आज तारीख है 31 अगस्त और मेरे यहाँ बारिश हुए बहुत दिन हो गया और मैं बारिश के इंतजार में मैंने गुआर को खराब कर लिया। मैंने गुआर की खेती कर रखी, बेरानी गुआर की। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल बारीकी से। ये गुआर की खेत है जी मेरा। इस गुआर के अंदर ये फंगस आया हुआ है और मैं ये सोच रहा था कि बारिश हो जाए उसके बाद में स्प्रे डालेंगे, कुछ कीट पतंगा भी हो रहा है, लेकिन उसके चलते मैं नहीं आ पाया। थोड़ा सा व्यस्तता भी ज़्यादा थी। आज मैंने देखा इसके अंदर आया तो इसके अंदर जो है, मैंने एक 500 लीटर वाली टंकी में 250 लीटर के आसपास वेस्ट डी कंपोजर मिलाया है और कीटनाशक मिलाया जी इसके अंदर 25 लीटर आक नीम धतूरा। अभी अगर हम खुद तजर्बा नहीं करेंगे तो मतलब जो है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये फंगस है जिसको भूखण बोलते हैं, ये पत्ते को ख़राब कर देगी। हर किसान साथी इससे डर रहा है, लेकिन अपना तजर्बा खुद करेगा ना तभी किसान आगे बढ़ पाएगा। अभी मैंने इसके अंदर वेस्ट डी कंपोजर का स्प्रे मारा है। मैं 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद इसका एक दूसरा वीडियो और निकालूंगा, उसके अंदर इसका स्पष्टीकरण आ जाएगा। कुछ तेला चेपा भी है, कुछ मच्छर वच्छर भी हो रहे हैं। लेट इसलिए हो गया कि बारिश थी इंतज़ार में और बारिश हुई नहीं। अभी उसका इंतज़ार करते करते जो है मेरा ये 3.5 एकड़ का गुआर जो है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है। अभी इसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेस्ट डी कंपोजर का स्प्रे डाल दिया है, साथ में कीटनाशक मिला दिया जी, और लगभग 4-5 दिन के बाद या 1 सप्ताह के अंदर अंदर मैं आपको इसका दूसरा वीडियो निकालूंगा जी। धन्यवाद। ये देखिए जी, आज 5 तारीख है। मैं इसको स्प्रे डाल के गया था 2 तारीख को, उस दिन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आज इसका देखिए कितना असर पड़ा है, और बगैर बारिश के टाइम में इसमें स्प्रे मार दी थी। नया फुटाव जो है वो हो रहा है, खट्टी लस्सी और आक नीम धतूरा जो वेस्ट डी कंपोजर के अंदर मैंने तैयार कर रखा था उसका मैंने स्प्रे डाला था इसमें। आज 5 तारीख, तो मैं इसलिए जो है आपको दिखाने के लिए, कभी देखिए अगर रासायनिक करते तो बगैर बारिश हुए स्प्रे डाल देते थे, ये जड़ जाती। नुकसान तो पहले बहुत हो गया, क्योंकि मैं रुका हुआ था, इसलिए रुका हुआ था कि भाई हो सकता है शायद जड़ न जाए। फिर मैंने देखा कि भाई हाँ, गुआर तो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, तो चलो इसके अंदर स्प्रे डालते हैं। इसलिए मैंने स्प्रे डाली और जो फंगस वाला सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया, नई फंगस नहीं है। फंगस जहाँ थी इसके अंदर वेस्ट डी कंपोजर कुछ डाला हुआ था, तो मैं अपना ये अनुभव देखने के लिए ये किया था कि जो फंगस होगी वो होगी, उसका आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। तो ये देखिए इतना फ़ायदा है इसके अंदर जो जैविक करते हैं, अगर रासायनिक करते इसके अंदर तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता, वहीं का वहीं रुकावट पे है। जो फंगस था वो वहीं का वहीं रुकावट पे है। देखिए ये गुआर का खेत मेरा 2.5 एकड़। धन्यवाद। मेरा मोबाइल नंबर 999-1634-300-999-1634-300। धन्यवाद।